हाय फ्रेंड्स, होप आप लोग सब ठीक हो। चलिए मैं और एक आज एक नया ड्रेस बनाने जा रही हूँ। मुझे आज बहुत दिन का बाद फिर से मौका मिला है। आज मुझे लग रहा है कि कुछ मुझे ड्रेस बनाना चाहिए सामर के लिए, इसलिए मैंने अपने लिए एक ड्रेस बनाने के लिए रेडी किया है। ये फैब्रिक लिया है। चलिए कैसे बन के निकलेगा आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसको किस तरह बनाएगा, हल्का फुल्का एक अपना सामर ड्रेस बनाने के लिए मैंने पूरा रेडी कर लिया है। अभी ऑलमोस्ट ड्रॉ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे कैसे चाहिए, हल्का भी होना है और देखने भी हाँ सुंदर है, थोड़ा बहुत होना है और कॉम्फर्ट भी होना है कि हम जहाँ भी जाए पहन सके। इसके लिए मैं रेडी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये लगभग मैंने लिया है 3 मीटर से आधा, 3 मीटर से ज़्यादा, मतलब 4 मीटर नहीं है पर 3 मीटर से हाफ है, काफ़ी है क्योंकि इतना ये भी नहीं चाहिए क्योंकि सामर के लिए है। चलिए कैसे बन के निकलेगा आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए बहुत दिन का बाद खींची चलाने के मौका मिल रहा है। ये कलर को हम ये गैप कट लेगा नीचे साइड पोर्शन के लिए। अभी इसके बाद इसका डिजाइनिंग कर। चलिए ये जो बैक साइड में अभी बैक साइड के लिए सो कट कर रहा है, ये नीचे कुची कुची हो जाएगा। ये जो बैक का होगा इसके कट करके डिवाइडेड कर लेगा। हाय फ्रेंड्स, ये जो मैंने आगे के लिए नाप ले लिया है, इसको मैंने क्या किया है बोलने से 10 पॉइंट में इसका दे के रखा है। यहाँ 10 से लेके 10 इंच, फिर यहाँ पे 15, उसके बाद ये फ्रंट का कटिंग होगा। ये 10 बाय 10 और 15 का इसमें कट करेगा। यह जो हाथ के लिए और ये के लिए चलिए मैं अभी ये हाथ का कट कर रही हूँ। उसके बाद अभी ये जो मेरा यूज़ का नहीं होगा, मैंने क्योंकि एग्जैक्ट नाप करके कट लिया है। अभी मैं इसको ये बैक साइड होगा और फ्रंट अलग अलग कटेगा क्योंकि दोनों का दीप और ये अलग हो जाता है, इसलिए ये बैक साइड को मैंने ऑलरेडी हमें स्केल करके नाप के रखा है, इसलिए इसको कट लेता है। और साउंड में जो मेरा बेबी का साउंड ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन नहीं है उसको जितना हटाने से भी, वो मेरा साथ ही चिपक के बैठ रहा है इसके लिए। और ये जो है फ्रंट का जो हमको ऊपर दीप और नीचे दीप करके काटना है। अभी इसको भी देखिए, मैं मिला लेती हूँ इसे। और अब ये मेरा जो ड्रेस बन के जब निकलेगा, मैं तो बहुत इमेजिन बहुत सुंदर होने तक ड्रेस को माइंड में रखा है, पर पता नहीं देखिए कैसे लगेगा। ये आगे का जो रखेगा हम 10 यहाँ से, तो यहाँ उसके बाद यहाँ तक मुझे फिर नीचे और कट के थोड़ा डीप करना पड़ेगा ताकि ये टॉप साइड होने के लिए। अभी ये जो मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद इस कट के बाद में मैं आगे को भी मिला के नीचे कट के यहाँ मैं कुची में पहले ज्वाइन कर लेगा, कुची कुची करके। अभी ये जो फिर कॉलर के लिए भी मैंने कट कर लिया है क्योंकि इसको मैं तो रसा दीप भी चाहिए, इसके लिए भी कट करेगा। ये भी मेरा 4 ये में है। नीचे जो 4 इंच करके मैंने दीप काट लिया है। अभी उसके बाद दोनों को मिला के यहाँ से भी मुझे कट कर लेना है शोल्जर का, क्योंकि थोड़ा डाउन कटने से हम लोग का ऊपर पुला पुला नहीं रहेगा, इसके लिए शोल्जर क्योंकि थोड़ा डाउन ही रहता है, इसके लिए मैंने कट करके रेडी कर लिया है। ये मेरा पूरा कट हो चुका है, गर्दन का सबका कट हो चुका है। अभी मैं इसे सबको ज्वाइन करके आप लोग को फिर दिखाऊँगी उसके बाद कैसे बन के निकलेगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए। अभी पहले मैं एक एक करके कॉलर से शुरू करूँगी। सबसे पहले कॉलर ज्वाइन करूँगी, उसके बाद में आगे पीछे दोनों, फिर सोल्जर, उसके बाद एक एक का ज्वाइन के बाद में फिर नीचे। ये बन गया ज्वाइन, ओके। इस तरह लग रहा है, दिखने में तो लग रहा है ना ये क्या बन गया है ऐसे, पर बन जाने का बाद बहुत सुंदर लगने वाला है। देखिए आप लोग मेरे साथ। अभी इसको फिर ये फ्रंट के लिए है, फ्रंट का इन सब को यहाँ जुड़ने तक हम लोग को करना है क्योंकि नीचे हमको फुला फुला चाहिए आराम से चिपक के बॉडी में नहीं रहने के लिए। इसके लिए मैंने ये जो ये ज्वाइन कर लिया है। अब ये रहा मेरा डिज़ाइन ड्रेस जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने कुछ लेस भी यहाँ ऐड किया है,
मेरा ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुका है। अब ये सामर का तो मेरा ड्रेस हल्का फुल्का करके पूरा बन गया है। होप आप लोग को पसंद लगा होगा। अगर वीडियो पसंद किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आप लोग को पसंद आया तो आप लोग बताइएगा मुझे नेक्स्ट में आप लोग को क्या चाहिए ड्रेस।